और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री रेटिंग लिस्ट में कहां है और उनके मुकाबले बाकी कहां खड़े। देखिए जरा आपके सामने पूरा रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को तो जरूर देखना चाहिए कि कोई नहीं है दूर दूर तक टक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 71% वोट मिले 71%। दूसरा देखिए जरा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है मोदी 71% और जो बाइडेन 43% सिर्फ 43%। कितना फर्क है दोनों में। उसके अलावा देखिए जरा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 43%, 71 के मुकाबले 43 कहां आता है आप खुद समझ सकते हैं। तीसरे नंबर पर देखिए बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी 71% और बोरिस जॉनसन 26%। ये है दोनों के बीच फर्क। अब आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। चौथे नंबर पर देखिए कौन, इटली के प्रधानमंत्री है मारिया द्रागी 60% यानी पीएम 71% और इटली के पीएम 60%। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नंबर वन है। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को 41% वोट मिले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले बहुत कम है। ये जो दायरा है ये बता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। इसके अलावा देखिए जरा मैं आपको दिखा रहा हूं आंद्रेस को आप देख रहे हैं जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति है आंद्रेस मैनुअल 66%, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% और मैक्सिको के राष्ट्रपति 66%। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं अव्वल है, कुछ खासियत है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा देखिए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 48%, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71%। तो आइए अब आपको जरा बताते हैं कि आखिर कैसे ये रैंकिंग होती है, प्रधानमंत्री को इतने ज्यादा अंक इतनी ज्यादा लोकप्रियता कैसे हासिल हुई। देखिए जरा रेटिंग होती कैसे ये आपको बताने जा रहे हैं। ये एक मॉर्निंग कंसल्ट नेताओं की रेटिंग करती है और ये जो रेटिंग एजेंसी है पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका आकलन करती है, उनकी लोकप्रियता को परखती है। 13 देशों को ट्रैक कर रही है ये मॉर्निंग कंसल्ट, 13 देश शामिल है। नई रेटिंग 13 से 19 जनवरी के बीच की है और इस सर्वे में वयस्कों को शामिल किया गया है और देशों की जनसंख्या के हिसाब से इसके सैंपल्स लिए गए हैं। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर वन बने कैसे। दुनिया में बड़े बड़े देश हैं जो सुपर पावर भी हैं, आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं, लेकिन पीएम मोदी क्यों नंबर वन और कैसे बने, देखिए सर उसके पीछे वजह है ये। कौन सी वजह जो पीएम मोदी को नंबर वन बनाती है? सबसे बड़े राष्ट्रवादी है, नोटबंदी और जीएसटी जैसा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए, कश्मीर से धारा 370 हटाई, ये उनके कड़े फैसले जो उन्हें लोकप्रिय बनाते हैं, 3 तलाक एक बार में खत्म किया, विपक्ष ने उन्हें चाय वाला कहकर तंज किया, उसी कमजोरी को हथियार बनाया, मोदी ने इसी तंज को मुहिम बना लिया और 18-18 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं। यही वजह है कि उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही। खुद को प्रधान सेवक माना, कभी प्रधानमंत्री नहीं माना। वीआईपी कल्चर को खत्म किया पीएम मोदी ने, गुलदस्ते की जगह फूल लिया, साफ तौर पर मना किया कि गुलदस्ता भेंट ना करें सिर्फ एक फूल दें। बर्थडे पर हमेशा जन्मदिन पर सीधे अपनी मां से मिलने के लिए पीएम मोदी जाते हैं। यही सारी खासियत है पीएम मोदी की जो उनको बाकियों से अलग और जुदा बनाती है।